हरदा में कुछ फटाका व्यापारी फटाका बनवाते मजदूरों से, उनको घर में मसाला दे देते हैं, वो घर में बनाते, कई बार घटनाएं हो जाती, पहले भी दो घटनाएं हो चुकी जिसमें कई लोगों की जान गई, और इसलिए हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई अनियमितता नहीं हो, सावधानी रखी जाए, और जिनको पटाखे के लाइसेंस बनाने के दिए गए वो पूरे नियमों का पालन करें ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। उसी के तहत कार्रवाई की गई है और कुछ गोडाउन सील किए गए, लेकिन उसकी जांच होने के बाद जो अनियमितता पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। ये एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग हुई थी, तो जिसके बेसिस पे कलेक्टर सर के निर्देशन पर मैं और एडीएम सर पूरा अमले के साथ हम लोग गए थे, और जो भी गोडाउंस थे तत्समय पे उनको खुलवा करके हम लोगों ने स्टॉक देखा है और गोडाउंस को सील कर दिया है। कहाँ कहाँ गोडाउन? ये बैरागढ़ में एक गोडाउन था, रहटा खुर्द में दो थे, और एक कोलीपुरा टप्पर में जो आज सुबह सील किया गया। किनके नाम से संचालित हो रहे थे? एक सोमेश अग्रवाल जी के नाम से है और एक जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है मोहसिन जी के नाम से। क्या अनियमितता पाई गई थी? अभी वहाँ पे सिर्फ जा करके हमने जस्ट गोडाउन को सील किया है, अभी अंदर का परीक्षण करना बचा है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, पहली बार हरदा में पटाखा व्यापारियों के ऊपर इस प्रकार से हुई है, क्या आगे भी होगी और क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? बिल्कुल, उसका पूरा परीक्षण किया जाएगा, नियमानुसार जो भी उसमें अनियमितताएँ पाई जाएंगी अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन लिया जाएगा। पटाखा निर्माण को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय रहता है, हर साल कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है, तो उसका इस उसी पर्पज़ को, उसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही कल का निरीक्षण किया गया था, और उसमें विस्तृत जांच प्रतिवेदन भी दिया जाएगा। मतलब क्या एक्ट के अनुसार एक गोडाउन में कितना मतलब माल, जितना उसको लाइसेंस में स्वीकृत किया गया है वो उतना होना चाहिए, प्लस जो भी उसके सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि लाइसेंस में जब स्वीकृत होता है तो सभी डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, अकॉर्डिंगली उसमें जांच होगी। कितने दिनों में जांच पूर्ण हो जाएगी? ये जांच हम लोग एक दो दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हरदा में कितने लाइसेंस आ रही है वो मेरे को आइडिया नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।